गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो टुडे टॉपिक इज अबाउट डिस्कस मोड ऑफ पेंट्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कल के टॉपिक में फंगस के बारे में मोड ऑफ पेंट्रेशन ऑफ दी फंगस हो चुका था। आज का न्यू टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, किस प्लेस पे प्लांट के इन्फेक्शन करता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मोड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, राइट। फर्स्ट है पैथोजन, सेकेंड डिजीज एंड थर्ड पेनिट्रेशन। पैथोजन जो डिजीज वो कॉज करे उसी क्या कहते हैं हम पैथोजन, काजेज ए एंटिटीज एज ए डिजीज। जो डिजीज को कॉज करे काजेज ए डिजीज इट इज कॉल्ड पैथोजन। डिजीज जो रोग पैदा करता है रोग को उसी को हम डिजीज कहते हैं। और पेनिट्रेशन किस प्लेस पे पत्ती के किस प्लेस पे पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरिया, राइट। जिसमें फर्स्ट है इरुनिया इमाइलोबोरा, यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर स्टोमेटा एंड हाइड्रोथ्रोट्स, स्टोमेटा पे इसका पेनिट्रेशन होता है या फिर हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा पेनिट्रेशन होता है, राइट। नंबर टू है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम में क्राउन गाल ऑफ फ्रूट ट्री या वुंड्स ऑन रूट एंड स्टेम, राइट। क्राउन गाल ऑफ फ्रूट ट्री वुंड्स ऑन रूट एंड स्टेम पे जो घाव पैदा होता है उसी पे एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट है इरुनिया कार्टोबोरा साटुराटा विजिटेबल वुंड्स एंड लेंटी सेल, घाव के द्वारा या फिर लेंटी सेल के द्वारा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट है इरुनिया ट्रैकीफिला बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकर बीट वुंड्स के द्वारा इन्फेक्शन होता है, बाई वुंड्स घाव के द्वारा इनका पेंट्रेशन होता है, उसके अंदर एंट्री करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर स्टोमेटा के द्वारा इन्फेक्शन होता है, बाई स्टोमेटा, राइट। नेक्स्ट है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथवार मालुसेरम एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन बाई स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस स्कैब ऑफ पोटैटो लेंटी सेल के द्वारा इन्फेक्शन होता है, जो फ्रूट्स बनते हैं पोटैटो के ऊपर बनता है। इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं इन्फेक्शन कहीं कहीं किसी न किसी माध्यम के द्वारा, लेंटी सेल के द्वारा, हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा और किसी एनी प्लेस के द्वारा इन्फेक्शन करते रहते हैं। तो कल के वीडियो में आप अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मोड ऑफ पेंट्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक फंजाई पढ़ा दिया गया है। आज मोड ऑफ पेंट्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया पढ़ाया जा रहा है। देखिए कोई भी फंगस हो या बैक्टीरिया हो, राइट, जो पेंट्रेट करता है इन्फेक्शन करता है, एंट्री इनटू द पैथोजन इट इज कॉल्ड पेंट्रेशन। उसको एंट्री करने के लिए जगह चाहिए, जब जगह चाहिए तो वो कहीं कहीं फ्रूट्स पे, लीफ पे, स्टेम पे, रूट्स पे या तो घाव पैदा करेगा या तो किसी और माध्यम से एंट्री करेगा। जिसमें कितने कितने माध्यम से एंट्री कर सकता है, देखिए लेंटी सेल के द्वारा जो फ्रूट सरफेस होती है, एप्पल हो, पियर हो, पोटैटो हो, जो फ्रूट सरफेस होता है वहां पे लेंटी सेल के द्वारा इन्फेक्शन करते हैं, राइट। स्टोमेटा ऑन दी लीफ पत्तियों पे स्टोमेटा बनता है, स्टोमेटा का मुंह खुला रहता है तो स्पोर ऑटोमेटिक उसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो पहला लेंटी सेल के द्वारा, दूसरा स्टोमेटा। हाइड्रोथ्रोट्स फाउंड एलॉन्ग ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ पत्तियों के किनारे किनारे जो मार्जिन होती है उसी को हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा इन्फेक्शन बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट है उन्स, उन्स आर इंजूरियस अदर बॉडी, कहीं बॉडी में अगर इंजूरियस हो गया हो, घाव पैदा कर हो गया हो, चाहे फ्रूट पे, चाहे स्टेम पे, चाहे लीव्स पे, चाहे रूट्स पे, कहीं भी अगर घाव पैदा हो रहा है, जैसे हम हार्वेस्टिंग प्रूनिंग करते हैं, पता है हार्वेस्टिंग प्रूनिंग करते हैं किसी डाल के ऊपर एक कुल्हाड़ी लग गया तो वहाँ पे घाव पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिक बैक्टीरिया को फंगस को एंट्री करने का जगह मिल जाता है। तो घाव के द्वारा भी बैक्टीरिया मैक्सिमम एंट्री करते हैं, फंगस एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है क्यूटकिल के द्वारा अपर सरफेस अपर लेयर ऑफ दी प्लांट पत्तियों के ऊपरी सरफेस पे क्यूटकिल प्लांट पे क्यूटकिल के द्वारा एंट्री करते हैं। इस तरह लेंटी सेल के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, हाइड्रोथ्रोट्स के द्वारा, वुंड्स के द्वारा और क्यूटकिल के द्वारा पैथोजन एंट्री करता है, राइट। तो जो भी डिजीज साइकिल आप पढ़े होंगे
इसमें आपको सात आठ स्टेप में बताया गया है कि पहला है इनाकुलेशन, दूसरा है पेनिट्रेशन, तीसरा है इन्फेक्शन, चौथा है इन्वेजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, डिसिमिनेशन, सर्वाइवल। ये सात स्टेप में किसी भी डिजीज की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और किसी भी डिजीज की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए होस्ट पैथोजन और एनवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो जब कोई भी फंगस कहीं से भी उड़ते हुए बाई एयर, बाई सॉइल, बाई वाटर, बाई अदर एजेंसी के द्वारा किसी भी प्लांट के ऊपर अगर एंट्री करता है तो सबसे पहले उसके एंट्री करने के लिए, घुसने के लिए जगह चाहिए। तो किसी न किसी को क्षतिग्रस्त करता है और क्या करेगा, जैसे लेंटी सेल को इन्फेक्शन करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा, स्टोमेटा के द्वारा एंट्री कर सकता है, हाइड्राथ्रोट्स के द्वारा एंट्री कर सकता है, वुंड्स के द्वारा एंट्री कर सकता है एंड क्यूटिकल के द्वारा एंट्री कर सकता है। इसलिए बच्चों आज जो टॉपिक है मोड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे आधारित है। दो तीन क्वेश्चन इसे आज तक पूछे जाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया या फंगस किस स्थान से इन्फेक्शन करता है, किस स्थान से पेनिट्रेट करता है। तो इरमिया मालबोरा जो डिजीज उत्पन्न करता है, फायरब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछता है, जेंटोमनास कैम्पेस्ट्रिस एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन स्टोमेटा के द्वारा एंट्री करता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस स्कैब ऑफ पोटैटो लेंटी सेल के द्वारा इन्फेक्शन करता है। ओके, सो माई चैनल इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।